विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। जुगल, अगर भोपाल की बात करें तो तैयारियां भोपाल में कैसी है, क्योंकि ये राजधानी है तो यहाँ मुझे लगता है अलग ही चमक दिखाई देगी, और देश का ये पहला अपने आप में एक ऐसा आयोजन है जहाँ गरीबों के लिए इतना 10-10 किलो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के संकट काल से सभी गुजरे हैं। जुगल, निश्चित रूप से देखिए प्रेरणा, स्वाभाविक रूप से जैसा आपने कहा कि एक उत्सव की तरह मन रहा है, तो उत्सव जब मनता है तो जो उत्सव में शामिल होता है उसका सम्मान होता है। आप देखिए कि जितने भी जो हितग्राही हैं जो यहाँ पहुंच रहे हैं, उन सभी हितग्राहियों को पगड़ी बांधी जा रही है, एक स्वागत की परंपरा जो होती है, और ये जो पूरा जो अन्न दिया जा रहा है ये किसी दान की तरह नहीं, एक उत्सव की तरह दिया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में ये एक अपना अलग तरह का और संभवतः देश का पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ कलेक्टर अविनाश लावनिया जी हैं। सर, एक अलग तरीके का कार्यक्रम यहाँ देखने को मिल रहा है जो आ रहे हैं आगमन, तो एक उत्सव की तरह उन्हें पगड़ी बांधी जा रही है। निश्चित ही ये अन्न उत्सव माननीय प्रधानमंत्री महोदय और हमारे मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार मनाया जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है जो कि हमारी टैगलाइन भी है कि सभी को राशन भी और सभी को सम्मान भी, और इसके साथ ही सभी जो हमारे हितग्राही हैं वो हमारे अतिथि हैं, और एक उत्सव के रूप में आज इसको हम लोग यहाँ मना रहे हैं। भोपाल में कितनी जगह ये कार्यक्रम हो रहा है, और जो अलग अलग जगह है, सर हम कितना राशन आज इन हितग्राहियों को देंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि भोपाल में समस्त 400 से अधिक दुकानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इनफैक्ट पूरे प्रदेश में सभी राशन दुकानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और जो भी हितग्राही यहाँ आज उपस्थित हैं उन सभी को उनका जो राशन है वो यहाँ से दिया जाएगा। जो भी हितग्राही यहाँ मौजूद है उनको उनका राशन दिया जाएगा, लेकिन जैसा मैंने प्रेरणा कहा कि ये उत्सव है, और जब उत्सव होता है तो जो आगंतुक होते हैं उनका एक सम्मान होता है, उनका एक स्वागत होता है। आप देखिए, हम इनसे बात करते, जी आज आपको राशन मिल रहा है, आपका स्वागत हुआ है, पूरे सम्मान के साथ बिठाया गया है, आप आज राशन मिलने वाला? हाँ सर, मिलता है, हमेशा मिलता है, और देते भी है सही से। आज अलग तरीके से बुला के आपको सम्मान के साथ दे रहे हैं? ठीक है सर जी। माता राम, क्या आज एक समारोह में आपको यहाँ बुला के सम्मान कर रहे हैं? हाँ, सर अच्छा मिलता है, गाँव गाँव भी फ्री मिलते हैं अपने को। हाँ, कहते आज अच्छा मिल रहा था, अच्छे मतलब अच्छे सम्मान से दे रहे, बहुत खुशी है हमें। तो प्रेरणा, आपने देखा कि एक उत्सव की तरह एक कार्यक्रम हो रहा है, ये आदमपुर छावनी है, यहाँ से कुछ देर बाद जो ये प्रभारी मंत्री हैं वो भूपेंद्र सिंह वो यहाँ मौजूद रहेंगे, और अभी यहाँ आप ये देखेंगे कि सुबोध उनियाल जो उत्तराखंड के कृषि मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे, पूरे देश के जो अलग अलग राज्यों के मंत्री हैं उनका भी यहाँ बुलाया गया है, जिसमें खाद्य मंत्री होंगे अलग राज्य के, कृषि मंत्री होंगे, यहाँ सुबोध उनियाल जो कृषि मंत्री हैं उत्तराखंड के वो इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो निश्चित रूप से एक ये अन्न उत्सव जो भोपाल में अलग अलग जगह हो रहा है, और सभी को हितग्राहियों को 10 किलो अनाज दिया जाएगा। जी बिल्कुल जुगल, आप बने रहेगा हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। इंदौर की ओर रुक कर लेते हैं, पीयूष पारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, इंदौर में क्या तैयारियां हैं, क्योंकि सबसे खास बात इस कार्यक्रम की ये है कि ना केवल गरीबों को राशन दिया जा रहा है बल्कि सम्मान यानी कि सम्मान के साथ उनको राशन दिया जा रहा है। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है प्रेरणा, और जिस तरीके से अन्न उत्सव इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है उसको लेकर साफ तौर पर तैयारियां देखी जा रही है। इस वक्त हम मूसाखेड़ी में मौजूद है, और इंदौर में जो मुख्य समारोह होना है वो यहीं पर होना है। कुछ ही देर में जो इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वो पहुंचेंगे, और एक तरफ आप देखें तो विशेष उत्सव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर अलग अलग तरह के जो भजन हैं, लोकगीत हैं, वो गुनगुनाए जा रहे हैं, और लोकगीत के जरिए ही इस कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है। तमाम जो हितग्राही हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और ये लोकगीतों के जरिए आज ये कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। अगर इंदौर जिले की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 560 से ज्यादा जो राशन दुकानें हैं वो यहाँ पर जो है वो उन दुकानों के जरिए हितग्राहियों को आज राशन दिया जाएगा, और हितग्राहियों
कि हम लोग बात करें तो विशेष उन्हें यहाँ पर सम्मान किया गया है। तमाम जो हितग्राही हैं उन्हें यहाँ पर तिलक लगाकर विशेष तौर पर बिठाया गया है। तमाम हितग्राही यहाँ पर हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। आज राशन मिल रहा है, किस तरीके का कार्यक्रम है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आज राशन मिल रहा है आपको, कैसी व्यवस्था है आपको? अच्छी है व्यवस्था। और भी कई लोग हैं, उनसे जानेंगे। दादा आज राशन मिल रहा है आपको, कैसी व्यवस्थाएं हैं, किस इंतजाम किस कैसे? क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? बढ़िया काम चल रहा है, और क्या है, सरकार से बढ़िया काम चल रहा है। देखिए कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो हितग्राही हैं उनमें यहाँ पर उत्साह देखा जा रहा है। 10 किलो राशन आज यहाँ पर दिया जाएगा, और इसके साथ ही अगर बात करें तो हर माह प्रति व्यक्ति यहाँ पर 5 किलो राशन भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये आयोजन हो रहा है, और तमाम हितग्राही उत्साह यहाँ पर देखा जा सकता है। जी प्रेरणा। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पीयूष और जुगल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि आज पूरे मध्य प्रदेश में ही अन्न उत्सव का आयोजन किया गया है, आगाज होने वाला है कार्यक्रम का, तो बस कुछ ही पल रह गए हैं। और 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो सम्मान के साथ गरीबों को राशन दिया जाएगा। अपने आप में देश का ऐसा पहला आयोजन है ये, जहां गरीबों को सम्मान के साथ राशन दिया जा रहा है। 10-10 किलो राशन हर गरीब को दिया जाएगा। तो प्रदेश के 1,15,00,000 परिवार इससे लाभान्वित होंगे, और तैयारियां भी देखी गई हैं किस तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में तैयारियां की गई हैं। पगड़ी भी बांधी जा रही है गरीब तबके के लोगों को, ताकि किसी तरह से उनको फील ना हो कुछ भी, और उनको सम्मान के साथ इस योजना का लाभ दिया जाए।